हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू की दुनिया ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, ये है मेरा संडे का ब्लॉग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30, तो आज हम लोग सोकर उठ गए हैं जल्दी। अदरवाइज़ तो संडे को हम लोग 8:30 तक सैटरडे संडे हम उठते हैं, क्योंकि दो दिन ऑफ रहता है। बट क्योंकि अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो सुबह नींद जल्दी खुल जाती है। तो बस सुबह उठ के सबसे पहले मैंने चेंज करी है अपनी बेडशीट, और अभी मैं क्लीन कर रही हूँ अपना बेडरूम। उसके बाद में हम देंगे प्लांट्स को पानी, क्योंकि बालकनी में फिर धूप बहुत ही तेज़ आ जाती है। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि सुबह सुबह ही मैं इनको पानी दे देती हूँ। और जो विंटर्स के ये जो दोनों मेरे पिटूनिया जो फ्लावरिंग प्लांट थे, उनको मैंने उधर रख दिया है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी शेड रहती है। क्योंकि इनका जो कलर है वो डार्क ग्रीन से हल्का सा लाइट ग्रीन होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अभी इनका सीज़न जा रहा है। तो यहाँ सीधा क्योंकि ज़्यादा धूप आती है, तो यहाँ पर मैंने कुछ दूसरे प्लांट्स रखे हैं और इनको मैंने रख दिया है उधर। तो बस बालकनी में तो सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लगता है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है, और इसके साथ ही यहाँ पर इतनी सारी बर्ड्स हैं, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ खेत ही खेत हैं। जो भी बर्ड्स हैं वो अपना खाना वगैरह खाने आती होंगी, क्योंकि खेतों में कीड़े बहुत ही ज़्यादा रहते हैं और बर्ड्स कीड़े खाती हैं या फिर जो अनाज वगैरह है वो खाती हैं। तो सुबह तो बर्ड्स की बहुत ही ज़्यादा चहचहाट रहती है, और क्योंकि सोसाइटी में भी काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जनरेटर वगैरह ये सब कुछ, तो इस वजह से इतना ज़्यादा क्लियर नहीं सुनाई देता है। बट जब जनरेटर वगैरह बंद हो जाता है तो बहुत ही क्लियर आवाज़ आती है बर्ड्स की, जो कि सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस बालकनी में 10-15 मिनट स्पेंड करने के बाद में कुछ ये सूखे हुए कपड़े थे जो कि मैंने उठा लिए हैं, और अभी मैं इनको तह लगा रही हूँ। तो बस कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं, और ये है टेबल की मैट जिनको मैंने वॉश किया था। टोटल 4 मैट है मेरे पास में, तो अल्टरनेट में इनको दो दो करके मैं इनको वॉश करती रहती हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आज मैक्रोनी, क्योंकि वैसे तो मैं कुछ और बनाने वाली थी, लेकिन अभी हम सुबह जल्दी उठ गए हैं तो हस्बैंड को भूख भी लग रही है, तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा बना लो जो फटाफट बन जाए। अदरवाइज़ सैटरडे संडे मैं सोचती हूँ कि कुछ मैं स्पेशल बनाऊँ, कुछ अलग से मैं डिश बनाऊँ। बट डोंट वरी, आप लोगों के साथ 1 से 2 दिन में मैं कोई स्पेशल, कोई अच्छी सी, बिल्कुल डिफरेंट डिश मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैक्रोनी मैंने बॉईल करने के लिए रख दी थी, और ये आटा वाली मैक्रोनी है, और ये बहुत ही देर में पकती है, क्योंकि मैं हमेशा सूजी वाली लाती थी। सूजी वाली तो फटाफट पक जाती है, 5 मिनट के अंदर वो एकदम परफेक्टली कुक हो जाती है, बट इस आटा वाली में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, और ये है राजमा। तो ये आज मैंने सुबह ही मैंने सोक करे थे, क्योंकि राजमा ख़त्म हो गए थे, तो हमने फिर मिल्क बास्केट से फिर हमने इसको ऑर्डर किया, तो फिर मॉर्निंग में ही वो दे के गया है। तो इसको मैंने गर्म पानी में 2 से 3 घंटे के लिए मैंने डाल दिया था, और आज मैं राजमा बिल्कुल अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। तो ये अच्छे से हो चुके हैं, सोक कर दिया था तो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने इसमें डाल दिए हैं सारे खड़े मसाले, जिसमें लौंग है, दालचीनी है, और मोटी इलायची, हरी इलायची, नमक और पानी। बस इसको डाल के मैं लगा दूँगी 4 से 5 सीटियाँ, और अब मैं तैयारी कर रही हूँ ग्रेवी की। और इससे पहले मैं कैसे बनाती थी कि सीधा कुकर में ही मसाले वगैरह पका के राजमा उसमें डाल के मैं सीधा बना देती थी। तो ये रेसिपी मैं ट्राई करती हूँ वर्किंग डेज में, जिस दिन ऑफिस होता है, क्योंकि उस दिन सुबह इतना टाइम नहीं होता, तो अगर उस दिन राजमा बनाना होता है तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। बट क्योंकि आज संडे है और टाइम बहुत ही ज़्यादा है, पूरा दिन हम फ्री हैं, आज हमें कहीं जाना भी नहीं है घूमने, तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरीके से बनाया जाए। तो बस अभी अदरक लहसुन प्याज की मैंने पेस्ट बना लिया है, साथ में टोमेटो प्यूरी भी मैंने बना ली है। तो ये कुछ सूखे हुए बर्तन थे रात के, तो इनको भी मैं रैक्स में मैं लगा दे रही हूँ। तो अब तैयारी करेंगे ग्रेवी की, और आज मैं बनाने वाली हूँ सरसों के ऑयल में, क्योंकि राजमा या छोले वगैरह कभी कभी मैं बनाती हूँ तो ये सरसों के ऑयल में ही बनाती हूँ, क्योंकि उसमें ये खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा ऑयल, और इसके साथ ही डाल दिया है प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बस इसको हम कर लेंगे अच्छे से गोल्डन ब्राउन, और मैंने इसमें 1 तेज़पत्ता भी मैंने डाल दिया है। और अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे हमारे मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च। तो जो बेसिक मसाले हैं मैं वही डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को हम कर लेंगे अच्छे से कुक।
और इसके साथ ही अब इसमें डाल देंगे टोमेटो प्यूरी, क्योंकि मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं। टोमेटो प्यूरी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऑयल सेपरेट होने तक हम इसे कुक करेंगे। और थोड़ा सा नमक मैं इसमें और डाल रही हूँ, वैसे जब मैंने राजमा बॉईल किया था उस टाइम पे भी मैंने डाला था। तो अभी देखिए मसाला कितने अच्छे से कुक हो चुका है, और अब हम इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए राजमा। तो वैसे उनको भी हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो बॉईल करते हुए पानी इसका ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा पानी मैंने पैन में गरम भी किया है, तो वो गरम पानी भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो जब भी आप सब्ज़ी बनाएं या दाल बनाएं, अगर उसमें जो ग्रेवी है अगर आपकी थिक हो गई है, पानी कम पड़ रहा है, तो हमेशा जो ल्यूकवॉर्म वाटर होता है या गर्म पानी होता है वही हमेशा डालें सब्ज़ियों में। इससे क्या होता है कि जो सब्ज़ी के जो कुक होने का जो प्रोसेस होता है वो स्लो नहीं होता है, और जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो आपका वैसा ही रहता है, वो टेस्ट चेंज नहीं होता है। तो बस राजमा बॉयल थे और 5-10 मिनट मैंने इसको और कुक किया है। मैंने ऐड कर दिया इसमें गरम मसाला और अब हम इसे निकाल लेंगे एक बोल में। और इसके साथ ही आज मैं बनाऊंगी राइस, क्योंकि संडे है तो आज राइस का टर्न है। तो राइस मैं दिन में बनाऊंगी जिस टाइम पे हम लंच करेंगे उस टाइम पर। और इसके साथ ही साथ कुछ और भी काम है जो कि मुझे आज ख़त्म करने हैं अपने घर के। तो जैसे कि बेडशीट तो मैंने चेंज कर ली है, इसके अलावा अभी किचन की भी मुझे थोड़े बहुत क्लीनिंग करनी है, क्योंकि हमारे तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। डेली इतना सारा हम काम करते हैं लेकिन फिर भी वीकेंड्स पे कुछ ना कुछ निकल ही आता है। तो ये है मेरी बर्तन रखने वाली ट्रे जो कि हो गई है गंदी, क्योंकि अभी जैसा कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो पता नहीं डस्ट कहाँ से आती है, क्योंकि घर तो पूरा बंद रहता है, बट स्टिल अभी इसमें डस्ट आने लगी है, जिस वजह से बिल्कुल नीचे से ब्लैक हो गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको क्लीन कर लूँ, क्योंकि ये ट्रे है, फिर इसके ऊपर एक और ट्रे है जिसमें हम बर्तन रखते हैं, और इसका जो भी पानी है वो सारा निकल के इस ट्रे में आ जाता है, जिस वजह से स्लैब पे पानी बिल्कुल भी नहीं फैलता है। तो बस इसको अभी मैं कर रही हूँ क्लीन। विंटर्स में तो मैं इसको हफ्ते में एक बार ही क्लीन करती हूँ, लेकिन समर्स में मैं इसको दो बार क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे डस्ट ज़्यादा आती है, तो पानी के साथ में डस्ट मिलके ना ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स से हो जाते हैं। तो अंदर तो गंदी थी, उसके साथ साथ ये पीछे भी गंदी थी। तो बस इसको अभी हम कर लेंगे क्लीन। और क्लीन होने के बाद ना इसका कलर बहुत ही अच्छा निकल के आता है, ये ब्लू कलर की है और ये कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें और भी कलर थे बट मुझे ये सबसे बेस्ट लगा था, इसमें येलो भी था रेड भी था, तो वो मैंने नहीं लिए थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्राइट कलर हो जाते, इस वजह से मैंने ये लिया था। ये थोड़ा सा सूदिंग है, ये अच्छा लगता है। और ये है वो ट्रे जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ, उसके नीचे वो वाली ट्रे जाती है, क्योंकि इसमें है जालियाँ तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी लगी हुई थी, क्योंकि ट्रे में ट्रे अगर गंदी रहेगी ये वाली, तो जो भी बर्तन आप इस पर धुल के रखेंगे तो उन बर्तनों के मुंह पे भी गंदगी आ जाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी मैं इसको क्लीन कर दूँ इससे पहले गंदगी बर्तनों में आना स्टार्ट हो। तो इसके जो होल हैं वो बड़ी मुश्किल से क्लीन हो रहे थे, तो मैंने ब्रश लिया, जो भी पुराना ब्रश मेरे पास में पड़ा था, फिर उससे मैंने इसके होल को मैंने क्लीन किया, क्योंकि होल में बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी। स्कॉच ब्राइट से तो मैंने क्लीन किया लेकिन उससे क्या था कि वो होल के अंदर नहीं जा पा रहा था, इस वजह से जब मैंने ब्रश से किया तो ये बिल्कुल अभी क्लीन हो गया है। और क्लीन होने के बाद में बास्केट बहुत ही अच्छी लगती है। फिर भी मुझे कहीं कहीं पर गंदा दिख रहा था तो मैं दोबारा से मैं इसको ब्रश मार रही हूँ इसमें, ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। और क्योंकि ये बास्केट बड़ी है तो सिंक में क्लीन करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट एनी विच वेज मैं थोड़ा सा मैनेज करके मैं इसको क्लीन कर ले रही हूँ। तो बस ये हो गई अच्छे से क्लीन, और अब मैं सफाई करूँगी अपने घर की, जो भी मुझे झाड़ू पोछा वगैरह करना है, किचन वगैरह क्लीन करना है। तो बस ये सारे काम मेरे हो गए थे घर के, और आज मैंने बनाया है अपने लिए रोज़ पेटल्स का फेस मास्क। तो वुमेंस डे पे मेरे हस्बैंड मेरे लिए रोज़ और चॉकलेट लेकर आए थे, तो वो रोज़ मेरे पास में पड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि मैं उसका क्या करूँ। तो उसकी रोज़ की जितनी भी पेटल्स थी वो मैंने सारे निकाल लिए, उसके बाद उसको मैंने वॉश कर लिया, और फिर जो अदरक कूटने वाला जो होता है उसमें उन पेटल्स को डाल के मैंने अच्छे से मैंने उनको क्रश कर लिया बिल्कुल, और फिर उसमें हनी मिला के मैंने अपने फेस पे लगाया है। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, देखते हैं कि इसके कैसे रिज़ल्ट आते हैं, बट आई होप कि अच्छे रिज़ल्ट आएंगे।
मैंने इसमें हनी भी मिलाया है और अभी लगाने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखिए कैसे आते हैं आप लोगों के पास में, अगर रोज़ वगैरह हो आपके घर में, अगर आप लोगों ने लगाए हों पौधे वगैरह, तो जो भी सूख जाते हैं या सूखने वाले होते हैं तो उनसे आप ये रेमेडी बना सकते हैं, क्योंकि जो भी होममेड रेमेडी होती है उनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो आप लोग भी इसे ट्राई करें। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप भी अपना ध्यान रखें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।